5.9 अपोलो सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 850 किलोमीटर अबाउट अर्थ, ठीक है, जमीन की सरफेस से ऊपर 850 किलोमीटर ऊंचाई पे पोलर सैटेलाइट लॉन्च किया गया। फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड, तो हमने इसकी क्या फाइंड करनी है जी, ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए पोलर सैटेलाइट होता क्या है। ये हमारी जमीन है, ठीक है, और इसमें एक ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो इन दो सैटेलाइट्स आमतौर पे जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं वो ऐसे जमीन की जगह नॉर्थ करते हैं, लेकिन ऐसा सैटेलाइट जो इसके पोल्स के ऊपर से गुजरे, नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर से गुजरे इस तरह, उसको पोलर सैटेलाइट कहते हैं। तो अब हमें बताया गया कि पोलर सैटेलाइट है जिसको 850 किलोमीटर जमीन से ऊपर जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है, अपने इस फासले पे वो जमीन के चक्कर लगा रहा है। हमने इसकी ऑर्बिटल स्पीड देखा है, ऑर्बिटल स्पीड ये होती है कि ये जो इसका ऑर्बिट है, ठीक है, ये जो इसका रास्ता है जिसमें ये चक्कर लगा रहा है, इसके अंदर इसकी क्या स्पीड होगी, सैटेलाइट की स्पीड क्या होगी, वो हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए फार्मूला होता है वो हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हमें सैटेलाइट की हाइट दी गई है सरफेस ऑफ द अर्थ से, ठीक है, अब सेंटर से नहीं दी गई, बल्कि अगर रेडियस दिया होता तो वो सेंटर ऑफ द अर्थ से होता। अब यहाँ से हमें उसके सरफेस से ऊपर जो है उसकी हाइट दी गई है, एच की वैल्यू दी गई है, तो ये 850 किलोमीटर है, तो ये 850 इंटू 10 रेज़ पावर 3 मीटर बन जाएगा। इसके बाद ऑर्बिटल स्पीड हमने वी फाइंड करनी है, तो वी का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है वी इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट जी एच इंटू आर प्लस एच का स्क्वेयर। अब यहाँ पे ये जो जी एच है, जी एच जो है इस हाइट पे, मतलब जितनी हाइट पे 850 किलोमीटर की हाइट पे है, इस हाइट पे जितनी जमीन की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी, जी एच की वैल्यू होगी, वो हमें पहले फाइंड करनी पड़ेगी, जो कि हमने पिछले न्यूमेरिकल में फाइंड की है, तो ये हम फाइंड करेंगे, ठीक है। जी एच की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, फिर हम उस वैल्यू को फिर यहाँ पे इसमें पुट करेंगे। एच भी हमें गिवन है और आर जमीन का रेडियस है वो भी हमें पता है, 6 × 10⁶ होता है, तो हम इसमें पुट करके यहाँ से ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले हम जी ऑफ एच फाइंड करेंगे, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एट हाइट, ठीक है, तो इसके लिए वही फार्मूला जी एम ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, जी एच इज इक्वल टू कैपिटल जी जो है ये हमारे पास 6.67 × 10⁻¹⁰ है, इंटू एम, एम की जगह आ जाएगा जी मास ऑफ द अर्थ 6 × 10⁻²¹⁴। आप देख सकते हैं जितने भी हमने न्यूमेरिकल पीसेज किए हैं, किसी में भी उसने मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू आपको नहीं बताई है, आपको याद करनी पड़ेगी। ये कैपिटल जी की वैल्यू भी याद करनी पड़ेगी, मास ऑफ द अर्थ भी याद करना पड़ेगा, और रेडियस ऑफ द अर्थ आर जो है कैपिटल 6 × 10⁻⁶, ये भी आपको याद होना चाहिए। प्लस एच की वैल्यू हमें 850 × 10³ आ गई, और बाहर हमने ये इसका स्क्वायर ले लिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जी, तो आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर नीचे जो है इसका इन दोनों को आपस में ऐड करके इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आया होगा उसको, और नीचे इन दोनों को ऐड करके फिर स्क्वायर लेके जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जी एच की वैल्यू 7.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर आ जाएगी, ठीक है। ये आप करके कैलकुलेटर से आप इसके साथ इसको मैच करेंगे, यही अगर वैल्यू आती तो आपने फिर कैलकुलेशन ठीक की होगी। तो जी एच की वैल्यू आ गई, अब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो ऑर्बिटल स्पीड का, जो कि हमें पता है v इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट जी एच इंटू आर प्लस एच का स्क्वेयर। तो जी एच की वैल्यू हमें पता लग गई कि जमीन की सरफेस से 850 किलोमीटर हाइट पे जी की वैल्यू जो होती है वो 7.62 होती है, क्योंकि जमीन से सरफेस ऊपर जाते जाते जी की वैल्यू कम होती जाती है। वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, तो v इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट जी एच की जगह आ गया 7.62 इंटू आर की जगह 6 × 10⁶ रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। प्लस एच की जगह 850 × 10�³ आ जाएगा और इसका हम स्क्वायर लेंगे। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को पहले अंदर ऐड करेंगे, फिर जो इसका आंसर आएगा उसका आपने स्क्वायर लेना है, ठीक है, उसका स्क्वायर ले के फिर आपने उसको 7.62 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी जी, ठीक है। अब आपने वी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपको इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 7,432.7 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो पोलर सेटेलाइट होगा जो 850 किलोमीटर की हाइट पे होगा वो 7,432 मीटर फी सेकेंड की रफ्तार से रिवॉल्व कर रहा होगा ज़मीन के गिर्द।